भागलपुर में बालू माफिया अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। बालू की अवैध ढुलाई ऐसे होती है जैसे इन्हें किसी का डर ही ना हो। इनका मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि कई बार इन माफियाओं ने अवैध खनन को लेकर छापा मारने गई पुलिस और खनन पदाधिकारी पर जानलेवा हमला भी किया है। विभागीय निर्देश के बाद रविवार को मधुसूदनपुर पुलिस ने अवैध बालू खनन व परिवहन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान मधुसूदनपुर मनसर बाईपास मनोहरपुर की तरफ से आ रहे बालू लदे ओवरलोडिंग 4 मिनी हाईवा को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। बालू माफिया के पास चालान तो होते हैं लेकिन अवैध तरीके से बालू ओवरलोड कर परिवहन किया जाता है। इधर पुलिस ने मिनी हाईवा को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विभागीय निर्देश के बाद जिला पुलिस ने अवैध बालू खनन व परिवहन करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में खनन व परिवहन करने वाले माफिया रविवार को अलग अलग थाना क्षेत्र से दर्जनों छोटी बड़ी गाड़ियां अवैध बालू परिवहन करने के आरोप में पुलिस ने जब्त किया। गश्ती टीम में शामिल मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष विश्वबंधु कुमार, गश्ती पदाधिकारी रत्नेश सिंह एवं मधुसूदनपुर पुलिस के सशस्त्र बल के सहयोग से यह कार्रवाई की गई। मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष विश्वबंधु कुमार ने बताया कि मनसर बाईपास मनोहरपुर के समीप छापेमारी के क्रम में 4 मिनी हाईवे को जब्त किया गया है जिसके पास बालू का लाइसेंस तो है लेकिन ओवरलोडिंग कर बालू परिवहन किया जा रहा था। गाड़ी को जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। आगे भी अवैध बालू खनन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। भागलपुर में यादवों का एक विशाल महासम्मेलन होने जा रहा है जिसको लेकर भागलपुर के तिलका मांझी में अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक अहम बैठक की गई जहां संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार यादव, जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव, प्रमंडलीय प्रभारी अभिषेक यादव, जिला युवा अध्यक्ष अंकित यादव, पंकज यादव सहित काफी संख्या में संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं यादव सम्मेलन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार यादव एवं जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि भागलपुर में यादव जाति का एक विशाल महासम्मेलन होगा। इस सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई है। वहीं यह सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर होगा जहां जिले के साथ साथ देश प्रदेश के यादव जातियों का महाजुटान होगा जहां लाखों की संख्या में लोग भाग लेंगे। वहीं इस सम्मेलन के माध्यम से यादवों को एकजुट कर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। जो यादव जाति को राजनीति और सामाजिक तौर पर उपेक्षित किया जाता है उसे सम्मान और हक दिलाने के साथ साथ यादवों का सर्वांगीण विकास की बात अखिल भारतीय भारतवर्षीय यादव महासभा करेगी। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ये हमारा सामाजिक संगठन है जो अपने स्वजातीय के विकास के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षा के लिए और उनको किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को हम लोग अभी इतने संगठित करने जा रहे हैं कि हमारे सभी जो गरीब से गरीब तबके के लोग हैं, किसान हैं और जिनको बच्चों को पढ़ाई के लिए दिक्कत होती है उन लोगों को भी कई तरह की योजनाएं हम लोग इसमें लाएंगे। तीन राज्यों में भाजपा की बड़ी जीत हो गई है, वहीं कांग्रेस की करारी हार सामने आई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की बंपर जीत से उत्साहित भागलपुर के भाजपा कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने हर ईवीएम मशीन को खरीद लिया है। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके भाजपा तीनों राज्य में यह चुनाव जीती है। जब तक मोदी रहेंगे तब तक यही परेशानी कांग्रेस को झेलनी पड़ेगी, लेकिन अब यह चलने वाला नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस चुनाव की वोटिंग मशीन की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। ये हार जनता की नहीं है, ये हार कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये ईवीएम मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आदरणीय मोदी जी ने किया है जो आज ये हार कर देख हम लोग को मुंह देखना पड़ा। लेकिन यही लोग कहते हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है, तो ये अगर आप खेल करते रहिएगा जनता बिल्कुल नाराज है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। मैं आपको बता दूं, जनता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में थी और ये ईवीएम मशीन मुझे भी पता है, तो जांच का विषय है। आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं वो इनको जांच कराना चाहिए। आखिर ये गड़बड़ी की हुई जबकि जनता चाहती थी कांग्रेस पार्टी आए और स्टेट को भी तरक्की पर ले जाए और देश को भी। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधी एक पान दुकान चलाने वाले व्यवसायी बेचन मोदी को जान से मारने की धमकी देते हुए मोटी रकम पहुंचने की बात कही। नहीं देने पर दुकान के सामानों को अपराधियों ने फेंकना शुरू कर दिया। पूरा मामला भागलपुर के मीरजान हाट कुतुबगंज का है जहां पान की दुकान चलाने वाले व्यवसायी बेचन मोदी अपना व्यवसाय कर रहे थे। तभी तकरीबन 12:30 बजे राहुल पोतार नाम का युवक अपने कुछ लोगों के साथ आया और उस दुकानदार से डिमांड करने लगा। नहीं देने पर उन्होंने गाली गलौज के साथ दुकान के सभी सामानों को सड़कों पर फेंक
फेंक दिया। किसी तरह दुकानदार जान बचाकर थाने पहुंचा और फिर मामला दर्ज कराया। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची, उसके बाद पुलिस अपराधी को ढूंढने में जुट गई है। मामला यही था कि यानी वो आया मेरे दुकान पे। कौन? राहुल पोद्दार। हाँ, राहुल पोद्दार आया। उसके राहुल पोद्दार कौन है? वो आगे है, बाजी मांगता है मेरे से। क्या बोला? हाँ, बोला कि 50,000 दो, नहीं तो गोली मार देंगे, ये कर देंगे, दुकान खाली करो। दुकान खाली करवाने का धमकी था, या मकान मालिक भी था बैठा हुआ। अच्छा, मकान मालिक कुछ नहीं बोला? हाँ, मकान मालिक भी उसको कुछ बोला, फिर भी उन्हें सुना सना कुछ नहीं, बात समझा उसका, मेरा आगे का कैरेट उरेट सब फेंक दिया बाहर में, नशा में धूत था वो भी, कैरेट से मेरा फेंक दिया टोटल। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्माण दिवस के अवसर पर संविधान बचाओ मार्च की तैयारी एवं जिला संगठन की मजबूती के लिए आज विशेष बैठक का आयोजन भागलपुर के एक विवाह भवन में किया गया, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि संगठन को मजबूत करना, पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना और आगामी 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्माण दिवस धूमधाम से मनाना। इन सभी विषयों पर जनता दल यूनाइटेड भागलपुर इकाई के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है और आगामी 2024 और 25 के चुनाव के लिए अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसको लेकर यह बैठक आगामी चुनाव को लेकर काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। यह जानकारी जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर इकाई के जिला प्रवक्ता ने शिशुपाल भारती ने दी। बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारा है जिला जनता दल यू का कार्यकारिणी का बैठक, और उसके साथ साथ 6 तारीख को जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का परिनिर्माण दिवस है, उसके उपलक्ष्य पर प्रदेश से जो निर्देशित कार्यक्रम है कि हमको बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना है और शहर में पैदल मार्च करना है, इसी उद्देश्य से उसी बैठक किए हम लोग, और उस बैठक में उस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज जिला कार्यकारिणी को बुलाए हैं। निर्माण दिवस पर 6 तारीख को हमारे जदयू प्रदेश कार्यालय से आह्वान किया गया है कि बाबा जी के संविधान बचाओ पैदल मार्च हर जिला मुख्यालय से किया जाएगा, जो कि बाबा साहब के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको समापन करने की प्रक्रिया होगी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती अधिवक्ता दिवस समारोह के रूप में जिला विधिक संघ भागलपुर इकाई द्वारा मनाई गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर ही हम लोग अधिवक्ता दिवस भी मनाते हैं, यह तकरीबन 2 दशकों से चलता आ रहा है। जिला विधिक संघ भागलपुर इकाई द्वारा आज के इस कार्यक्रम में जो अधिवक्ता 50 वर्ष अपने अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं उन्हें सम्मानित करने का कार्य भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक संघ के दर्जनों अधिवक्ता मौजूद। आज हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, जो बिहार के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जन्म जयंती है, और इस दिवस पर भागलपुर जिला विधिक संघ की ओर से बहुत 2 दशकों से करीब अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने की खुशी बिहार में देखी गई। भागलपुर जिले के नाथनगर में भाजपा समर्थकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लल मटिया थाना क्षेत्र स्थित सुभाष चौक पर कैंडल जलाकर और एक दूसरे को गुलाल लगाकर कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर भाजपा की बड़ी जीत की शुभकामनाएं दी। मौके पर नाथनगर मंडल अध्यक्ष गिरीश चौधरी, नाथनगर संयोजक श्री राम राय, जिला महामंत्री महिला मोर्चा भाजपा लक्ष्मी कुशवाहा, नाथनगर महामंत्री प्रीति श्रीवास्तव, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष कुंदन राज, नाथनगर प्रवक्ता मनीष सिंह, भाजपा समाज सेवी कार्यकर्ता विकास यादव जी, चंपानगर मंडल अध्यक्ष आशीष कुमार मौजूद रहे। आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी भाजपा से जो हमारी सरकार जो बनी है 3 राज्यों में, उसके खुशी में हम लोग पूरे भाजपा परिवार हर्षोल्लास के साथ इसे एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारे 3 राज्यों में हम लोगों ने जीत हासिल की है, आगे हमारा जो क्षेत्रीय जिला है ये भी इससे अछूता नहीं रहेगा, और आगे चल के हमारे बिहार में भी ये भारी मतों से हमें जीत हासिल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भाजपा, तय भाजपा।
मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की बंपर जीत से उत्साहित भागलपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और गुलाल लगाकर साथ ही पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। भाजपा के भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि तीन राज्यों में भाजपा की बड़ी जीत ने साबित कर दिया है कि 2024 एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बनेंगे और 2024 में भाजपा की जीत निश्चित रूप से तय हो गई है। देखिए, हम लोग आश्वस्त है कि निश्चित रूप से हमारी जीत होनी है। कहीं से भी जो माहौल क्रिएट किया गया था तो घमंडिया गठबंधन के द्वारा, देश के अंदर मोदी जी की हवा नहीं है और दिखा दिया है वहाँ की जनता ने जिस प्रकार से घमंडिया गठबंधन के घमंड को चूर करने का काम वहाँ की जनता ने किया है, उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के विकास के जिस रथ को रोकना चाहते थे उस रथ को प्रभावान रखा है और बिहार पूरे भारतवर्ष में जो विकास की गंगा बही है उस विकास की गंगा के आगे कोई भी गठबंधन नहीं चलेगा।